شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دكتور حافظ عبد الغني أمري مدني حفظه الله كتعرف كرنا جهتاهم محترم حاضرين शेख के बहुत सारे खिदमत हैं और हम सब जानते हैं कि शेख अल-अज़ान अरबी कॉलेज के लेक्चरर हैं और शेख के ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइन दुरुस्त होते रहते हैं और अब मैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल ग़नी उमरी मदनी हफिज़ल को दावत देता हूँ जिनका इस्लाम में जायज़ तफरी और खेल कूद व आएँ और ख़िताब करें बस्मिल إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا معزز صدر جلسة أور علماء أور مشايخ كرام أور معزز بوزرقان دین نوجوان معزز سامعين أور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज का दिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है ये आज़ादी अल्लाह तबारक तआला ने हर इंसान को अता फरमाई है और इसका सबसे बेहतरीन मवहर और मंजर और इसका जमाल सिर्फ़ दीन इस्लाम के अंदर ही मौजूद है इस्लाम ने जितना आज़ादी के लिए कोशिश की बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकालने की कोशिश की और सिर्फ़ आलमीन के सामने उसको झुकने और उसकी इताअत करने करने का हुक्म दिया ऐसा किसी मजहब ने ना ही किसी दीन ने ना ही किसी ने आज तक किया और ना ही कोई कर सकता है तो इसलिए हकीकी जो आज़ादी है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी दीन इस्लाम के अंदर है इसीलिए सहाब किराम जिस मुल्क के अंदर भी दाखिल होते जिन जिन ममालिक को भी उन्होंने फ़तह किया वहाँ के लोगों के दिलों को उन्होंने पहले फ़तह किया उनके दिलों को सबसे पहले उन्होंने जीता तो इसलिए दुश्मना ने इस्लाम का ये कहना कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला इस्लाम तलवार की नोक पर नशर किया गया ये इंतहाई तारीख़ मुखालिफ बात है तो इस्लाम ने दिलों को सबसे पहले फ़तह किया मुसलमानों ने दिलों को सबसे पहले फ़तह किया इस इस्लाम के ज़रिए उनके अखलाक के ज़रिए उनके आदात और अतवार के ज़रिए इस्लाम ने उनके दिलों को फतह किया तो अगर उनसे उनके दिल फतह न हुए होते तो इस्लाम आज जहां भी बाकी हैं जिन मुल्कों के अंदर भी मुसलमान बाकी हैं वो कभी के कभी ख़त्म हो चुके होते तो ये अल्लाह तबारा का वाली का एहसान है कि ये जो आज़ादी का दिन या आज़ादी का जशन जो आज के दिन हम और हमारे बरदरान वतन और सारा मुल्क मनाता है तो अल्लाह तबारक वाली ने हमको ये आज़ादी पहले ही अता फरमाई है और मुसलमान हमेशा आज़ाद ही रहता है वो कितना भी क़ैदबंद में क्यों ना हो कितना ही बेड़ियों में जगड़ा हुआ क्यों ना हो तो हकीकत में वो आज़ाद रहता है क्योंकि हकीकत में आज़ादी जिसमों की आज़ादी नहीं है जिसमों की आज़ादी नहीं है जिसम का आज़ाद रहना ये आज़ादी नहीं है बल्कि अकल का आज़ाद होना और दिलों का आज़ाद होना यही असल आज़ादी है तो अल्लाह तबारक ने और हदीस के ज़रिए और नबी करीम अलैहि वसल्लम के जरिए ये आज़ादी हमको आज से चौदह सौ साल पहले हर मुसलमान वो जहाँ कहीं रहे अल्लाह तबारक व ताली ने उसको अता फ़रमा दिया है और ये दीन अल्हद सब के लिए है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है तो ये आज के दिन के मुतल बात के बाद मैं अपने मौजू की तरफ़ आता हूँ तो सबसे पहले मैं अल्लाह तबारका वताल शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मौका हमको इनायत फरमाया और हम तमाम को यहाँ पर जमा फरमाया आज के दिन जो कि एक तरफ़ आज़ादी की खुशी मुल्क और हम मनाते हैं उसी तरफ दीन और दीन की बातें उसके अहम मौजूद पर गुफगू करने के लिए ये जो प्रोग्राम मनद किया गया है वो इस प्रोग्राम के मनज़मीन काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ततीब दिया इस प्रोग्राम के लिए लोगों को जमा किया और इसके ज़रिए लोगों को इस्तीफ़ादे का मौका दिया और बहुत सारे अहम आनावीन उन्होंने इस उसके लिए इख्तियार किए अल्लाह तबारा का मुतार हमारे इन तमाम अमाल को कबूल फरमाएँ हमारा यहाँ आना और इसके लिए वक्त निकालना और बैठना और सुनना अल्लाह तबारा व तआला इसको कबूल फरमाए और जो भी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों को और सुनने वालों को सबको अमल की तोफ़ीकता फरमाए आई मीन <laughs> तो जो मेरा मौजू है मुझे जो मौजू दिया गया है वो है इस्लाम में जायज़ तफरीह और खेल कूद तो ये इस्लाम के अंदर इसका क्या हुक्म है इस्लाम इसके बारे में हमारी कैसी रहनुमाई करता है इस्लाम हमको इसके बारे में क्या सिखाता है तो इसके ताल्लुक से जानना हर मुसलमान पर ज़रूरी है तो ये मौजूद असल में दो चीज़ों पर मबनी है इसके अंदर दो चीज़ें ज़िक्र की गई हैं एक तो तफरीह और दूसरा खेल कूद तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं हकीकत में इन दोनों को यहाँ पर जमा किया गया है इस मौजू के अंदर दोनों को शामिल किया गया है तो दोनों पर बात करना एक मजलिस में इस मुख्तर से वक्त में मुमकिन नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ दूसरा जो शिक है दूसरा जो हिस्सा है उसको मैंने इख्तियार किया है तो अल्लाह तबारक तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत वदा में उस अजीम मजमे के अंदर नाजिल फरमाई अल अकमल तोम तोम नमती कि आज मैंने तुम्हारे दीन को और तुम तुम पर अपनी नमत को मुकम्मल कर दिया तो ये दीन की सबसे बड़ी खसूसियत और उसकी एक बड़ी शान ये है कि ये दीन हर जानिब से मुकम्मल है हर तरफ से अल्लाह तबारक ने इसको मुकम्मल कर दिया है इसके अंदर ना कोई जियादतीमत तक हो सकती हैं ना ही किसी किस्म का नक्स इसके अंदर पैदा हो सकता है तो ये इस दीन का बहुत बड़ा इम्तियाज़ है और क्योंकि ये अल्लाह तबारक तआला का दीन है आलमीन का ये दीन है जिसने आसमानों और ज़मीनों को जिन और इंस को सारे लोगों को पैदा किया और जो इंसान की तबीयत से वाकिफ़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिसका ये दीन है दीन इस्लाम है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की हर हाजत से वाकिफ़ है इंसान की हर ज़रूरत से वाकिफ़ है उसकी तबीयत से वाकिफ़ है उसके नफ्स से वाकिफ़ हैं तो इसीलिए अल्लाह तबारक व ने इस दीन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो उसकी ज़रूरत को मुकम्मल करती हो तो अल्लाह तबारक ने इसी तरीके से हर वो चीज़ को रोका हर उस चीज से डराया हर उस चीज को हराम किया जो इंसान की तबीयत को उसकी सेहत को उसकी अकल को उसके जिस्म को ख़राब कर सकती हैं या उसको ख़त्म कर सकती हैं या उसको कमज़ोर कर सकती हैं या उसको मिटा सकती हैं तो ये दीन के महासिन में से एक बहुत बड़ा हुस्न है हमारे दीन की जो खूबी है इस्लाम के जो महासिन और अच्छाइयाँ हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हसन ये है कि ये बिल्कुल आीन फितरत के मुवाफिक है इंसानी जो फितरत है इंसान की जो तबीयत है कोई भी इंसान हो कोई भी इंसान हो बिल्कुल उसके उसकी तबीयत के मुवाफिक है तो इसीलिए कोई चीज़ इस्लाम हमको ऐसी नहीं सिखाता है जो हमारी तबीयत के खिलाफ हो जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो या ऐसी कोई चीज़ हमको जो है नहीं रोकता जो इंसान की ज़रूरत के अंदर मौजूद है तो मैं ये चीज़ें आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में कहा मैं फर्रतफी फिल किताब अभी मिनशी कि हमने कुरान मजीद में किसी चीज़ को नहीं छोड़ा हर चीज़ अल्लाह तबारक तआला ने तफसीलन बयान फरमाया है तो ये चीज़ मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि ये तमहीद है यानी ये मौजू में दाखिल होने से पहले इस मौजू के ताल्लुक से बात करने से पहले इन तमाम चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है तो ये जायज़ जो सैर तफरीह या खेल कूद जो हमारा मौजू है तो इस्लाम ने इसका दीन के अंदर ख्याल रखा है इस्लाम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इस चीज़ के अंदर वसात अता फरमाई है इस चीज़ के अंदर हमारे लिए कुशादगी अता फरमाई है अगरचे के दीन के अंदर असल क्या है अगरचे के दीन के अंदर अहम और असल और बुनियाद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको उसकी इबादत के लिए पैदा किया है उसकी इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया जैसा कि अल्लाह ने तह वमा वल इंस इल्ला अबुदून कि मैंने जिन और इंस को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है तो इसीलिए किताब व सुन्नत के अंदर क़ुरान के अंदर और अहदीस के अंदर लहब को जम किया गया है यानी लहब को बुरा कहा गया है क्योंकि अल्लाह तबारक व तौ ने कहाया तो दुनिया दुनिया तो अल्लाह तबारक व ने इस सिया में बयान किया कि ये चीज़ें इंसान को गाफिल करने वाली हैं अल्ला तबारक व ताली की इबादत से उसको गफलत में डालने और उसको उससे हटाने और रोकने वाली हैं तो असल तो इसके अंदर ये हैं कि आदमी अल्लाह अल्लाह तबारक व ताल की इबादत में मशगूल रहें अल्लाह तबारक व ताल की इबादत उसका मकसद होना चाहिए क्योंकि अल्लाह तबारक व ने उसको सिर्फ़ उसकी इबादत के लिए पैदा किया है मगर चूंकि इंसानी तबीयत के अंदर ये चीज़ मौजूद है इंसानी फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद है तो दीन ने इसके अंदर कुशादगी दी है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इसमें अता फरमाई है तो इसलिए इस्लाम में जाइज़ खेल कूद और जाइज़ और तफरीह ये मुबाह है मुबाह का माना यह है कि ये जाइज़ है ये आदमी अपनी तबीयत को में नशात पैदा करने के लिए और अपने आप को दोबारा इबादत के लिए तैयार करने के लिए या अपनी थकावट को दूर करने के लिए और दोबारा चुस्ती पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मजीद इबादत करने के लिए आदमी सैर व तफरी में या इसी तरीके से जायज़ खेल कूद में मशगूल रह सकता है तो इसलिए किराम ने इसकी तारीफ क्या की है यानी जायज़ जो खेल कूद है खेल कूद ऐसे ही नहीं बल्कि जायज़ तो ये अनवान के अंदर ये मुकैद है जायज़ सैर व और जायज़ खेल कूद तो इसकी तारीफ यह है कि हर किस्म की वो एक्टिविटी हर किस्म का वो अमल जो नुकसान जिसके अंदर नुकसान ना हो जिसके अंदर नुकसान ना हो खुद करने वाले के लिए या दूसरों के लिए चाहे वो अमल कोई फर्द करे या कोई ज़मात करे कोई फर्द उस अमल को करे या कोई जमात करे अपने फारिग अवकात में फारिग अवकात में ऐसा नहीं कि हमेशा आदमी खेल कूद में लगा रहे, हमेशा लाह व लाइब में लगा रहे, यानी अपनी ज़िंदगी का मकसद ही खेल कूद बना ले तो ये इस्लाम नहीं सिखाता है इस्लाम हमको ये सिखाता है कि हम अल्लाह की अल्लाह तबारक वाली की इबादत में लगे रहें मगर क्योंकि इंसान की तबीयत हर वक्त एक जैसी नहीं होती है तबीयत कभी जो है आराम चाहती हैं तबीयत जो है कभी खेल कूद चाहती हैं कभी तबीयत जो है दूसरी चीज़ें चाहती हैं तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इसके अंदर वसात दी है तो ये तवाजुन पैदा करने के लिए और दिल के अंदर एक खुशी पैदा करने के लिए और जो थकावट आदमी के मुसलसल एक चीज़ में मशगूल होने और इबादत के अंदर पैदा होती हैं उसको हटाने और दिल के अंदर नशात पैदा करने के लिए जिसम में नशात को दोबारा लाने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ का करना जो इस्लामी अकदार के खिलाफ ना हो इस्लामी तलीमत और उसकी क़ियम के उसके अकदार के खिलाफ ना हो तो इसको जायज़ सैर व तफरी या खेल कूद कहा जाता है जायज़ खेल कूद कहा जाता है तो उसकी मसलन बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें हैं जिससे हमको ये खुले तौर पर मालूम होता है कि इस्लाम आदमी को यह नहीं सिखाता कि तुम जो है बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि किसी के सामने मुस्कुराने वाले नहीं जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है वो कभी हंसते नहीं हैं या किसी के सामने मुस्कुराते नहीं हैं या खंदा पेशानी से मुलाकात नहीं करते हैं या जो है बीवी बच्चों के साथ वक्त जो है देना आईब समझते हैं या दोस्तों के साथ उठना बैठना जो है आईब समझते हैं और ये समझते हैं कि सिर्फ इबादत ही इबादत है नहीं तो अल्लाह तबारक ने इसका हुक्म नहीं दिया बल्कि अल्लाह तबारक ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि जो नसारा हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नई नई इबादतें अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने की नीयत से यानी उनकी नीयत अच्छी थी अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने की नीयत से उन्होंने ऐसी ऐसी इबादतें ईजाद की जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म नहीं दिया उनको हुक्म नहीं दिया तो इसलिए हमारा जो तरीका है इस्लाम जो दीन है ये ना यहूद के दीन की तरह है ना ही नसारा के दीन की तरह है इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने सूरह फातिहा में हमको यह हुक्म दिया कि हम इन दोनों कौमों के बीच में हैं अल्लाह तबारक तआला हमको ये तरीके से और ये तरीके से यहूद के तरीके से और नसारा के तरीके से दोनों के तरीके से दूर रख रखें इसकी हमको दुआ करने का हुक्म दिया जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा एह दिन सरातलमस्तकीम सराती अन आमथम तो अन आम थालिम जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का, का इनाम हुआ चाहे वो सहाबा हो सिद्दीकीन हो शहदा हों सालिहीन हो तो उनका जो मनहज है उनका जो मजहब है उनका जो दीन है उनके अंदर तशद नहीं है उसके अंदर तशद नहीं है उसके अंदर तंगी नहीं है उसके अंदर यानी जो भी जायज़ चीजें हैं वो तमाम चीजें जायज़ हैं गैर-इल-मغضوب गैरमूब आलिमी مغضوب आलिम यहूद हैं और ضالون से मुराद नसारा हैं। तो इस्लाम हमसे यह चाहता है कि हम यहूद और नसारा दोनों के तरीके से दूर रहें तो इसीलिए इस्लाम हमको हमसे यह चाहता है कि हम लोगों से खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करें हम अल्लाह तबारक व तआला की जहां इबादत करते हैं वहीं हम अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल करें वहीं हम दुनिया कमाने के लिए मेहनत भी करें तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इन तमाम में आदमी की नीयत अल्लाह तबारक व तआला के लिए अगर हो तो ये सब उसके लिए इबादत है ये सब उसके लिए इबादत है यानी ऐसा आदमी गुमान न करे मुसलमान ये ना समझे कि खेल कूद को हम इबादत नहीं बना सकते हैं या ये के जो है घर में आदमी अगर दाखिल हो जाए तो वो इबादत का हिस्सा नहीं है जैसा कि बाज जमातें यह समझती हैं बाज लोग ये समझते हैं तो इसीलिए उन्होंने क्या किया दीन को अलग किया और जो है बस चीजों को अलग किया तो इसीलिए लोगों को क्या हुक्म देते हैं अलग से दीन के नाम पर बाज ऐसे काम करने का हुक्म देते हैं जो ना किताब में अल्लाह तबारक व तआला की साबित है और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में साबित है यह तमाम इस वजह से हैं कि उन्होंने दीन को सही तौर पर जैसे सहाब कराम ने और सलफ़ाल ने समझा वैसे उन्होंने नहीं समझा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ईद के मौके पर आयशा रहा कहती हैं फितर या ईद अलाबा का मौका था अल्लाह के रसूल वसल्लम घर के अंदर मौजूद थे और कुछ बच्चियां, अनसार की कुछ बच्चियां घर में आकर के वो अशार पढ़ रही थी और वो दुफ बजा रही थी दुफ जिसको जो, जो शादी के मौके पर अरब के अंदर या बाज़ जगहों पर दुफ बजाया जाता है जिसको जो है बाजा हम जो है कह सकते हैं तो उसको जो है बजाया जा रहा था और वो बच्चियां जो है अशार पढ़ रही थी तो अबू बकरू दाखिल हुए तो अबू बकरू ने देखा कि अल्लाह के रसूल वसल्लम घर के अंदर मौजूद हैं और तुम इन बच्चियों के साथ उनको जो है बजाए इसके कि तुम उनको रोको तुम जो है और उनको जो है मौका दे रही हो और ये तुम्हारे सामने बजा रही है और ये जो है पढ़ रही हैं तो उन्होंने कहा कि मzmूरु शैतान في بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم कायजो यानी तबला या जो है बाजा या इस किस्म की चीजें क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हो रही हैं क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम कर रही हो तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जो आराम कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर चेहरे मुबारक पर कपड़ा था आपने उसको हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर छोड़ दो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि छोड़ दो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लिताअलम अल यहूद अन फी दीनना फसहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे दीन के अंदर इतनी तंगी नहीं है कि आदमी खुशी के मौके पर खुशी के मौके पर अपनी खुशी का इजहार करे खुशी के मौके पर खुशी मनाएं खुशी के मौके पर अपने भाइयों के साथ बैठें उनके साथ वक्त बिताएं उनके साथ खाए पिए ये दिन नहीं रोकता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूद को मालूम होना चाहिए कि हमारे दीन में आज़ादी है यानी हमारा दीन तंग नहीं करता है जैसा कि बाज लोग क्या करते हैं छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी बातों पर ये करते हैं ये जो है ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है रोकते हैं लोगों को ये करते हैं नहीं बल्कि जो है दीन अल्हम्दुलिल्लाह जी दीन के अंदर जो चीज़ जायज़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो जायज़ है तो हमारा दीन तंगी नहीं सिखाता है हमारा दीन लोगों पर मशक्क़त डालना या उनको हलाल से रोकना ये दीन जो है नहीं सिखाता है तो इसलिए बल्कि इस्लाम ये चाहता है दीन ये चाहता है जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया قل ان صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. हर चीज़ दीन ये चाहता है कि हमारा महिया और ममत यानी हमारा जीना और मरना सब अल्लाह तबारक तआला के लिए हो जब हमारा जीना और मरना सब अल्लाह तबारक तआला के लिए हो हो जाए तो फिर हमारा सब कुछ हमारी सारी जिंदगी ये अल्लाह तबारक तआला की इबादत है तो इसलिए इस्लाम इन सारी चीजों को दीन का रंग देता है यानी yani, अगर आप ऐसे ही करने के बजाय अगर आप अल्लाह तबारा व तआला के लिए अगर करेंगे आपकी नीयत अल्लाह तबारा व तआला के लिए होगी अल्लाह को खुश करने के लिए या इसको यानी अपनी तबीयत में चुस्ती पैदा करने के लिए अपनी तबीयत से थकावट को दूर करने के लिए आप अगर करेंगे बीवी बच्चों को खुश करने के लिए साथियों को खुश करने के लिए दोस्त दोस्तों को खुश करने के लिए अगर आप करेंगे तो यकीनन क्या होगा यह आपकी इबादत बन जाएगी ये जो सवाब से खाली नहीं होगा बल्कि अल्लाह तबारक तआला इसके अंदर आपको सवाब अता फरमाएगा और एक हदीस जिसमें हमको मालूम है कि तीन सहाबा तीन सहाबा नबी करीम वसल्लम के अजवाज उम अजवाज मतः के घर के पास आए उमिनी नदी अल्लाह तहा के पास तीन सहाबे खराम आए और उन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना इबादत करते हैं तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की इबादतें सारी उम्मत की इबादतों से ज़्यादा हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की इबादत को कोई पहुँच नहीं सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे यहां तक कि मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में वरम हो जाता था सूझ जाते थे तो इस कदर लंबी लंबी नमाजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे तो जब साहब कराम ने यह सुना तो उनको लगा कि ये तो यानी हमारा हमारी इबादतें आपकी इबादत के सामने कुछ भी नहीं है तो हमको और कितना करना चाहिए जबकि आप अल्लाह के रसूल हैं कर दी आप जो हैं आपके अगले पिछले सारी लफजार तो बंदे हैं तो हमको कैसे होना चाहिए तो इसलिए उन्होंने क्या किया उनमें से एक ने कहा कि मैं इसके बाद रात भर जो है नमाज पढ़ूंगा उनमें से एक ने कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ता रहूंगा और आराम नहीं करूंगा और एक सहाबी ने कहा कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा रोजा रखूंगा रोजा रखता रहूंगा यानी मुसलसल मैं रोजे रखता रहूंगा और एक सहाबी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर अल्लाह की इबादत में ख़ल पैदा होगा अल्लाह की इबादत में सुस्ती पैदा होगी हमको जो है अल्लाह की इबादत से ये गाफिल करने वाली चीज़ें हैं और एक शख्स ने कहा एक सहाबी ने कहा कि मैं गोश्त छोड़ दूंगा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा यानी चलो कोई बात नहीं उनको जब बाद में मालूम हो जाएगा बाद में उनको चीज़ वो जो है समझ जाएंगे ऐसे नहीं कहा तो फौरन हदीस में क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया आप वसल्लम ने लोगों को मस्जिद में जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और जो है उन लोगों से कहा कि क्या बात है कि बाज लोग ऐसी बातें कर रहे हैं यानी ऐसी बातें कर रहे हैं कि यानी मैं जो है हमेशा रोजा रखूंगा मैं जो है शादी नहीं करूंगा यानी ये बाज मिसालें हैं उन्होंने जो कहा ये बाज मिसालें हैं तो आप उस पर सारी चीजों को कयास कर सकते हैं जैसा कि आज बाज लोगों ने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं

कि जो मेरा तरीका छोड़ेगा तो वो जो है मुझ में से नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारा व तआला से डरता हूं मेरे दिल के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह व तआला का वताल तकवा मौजूद है और मैं सबसे ज्यादा अल्लाह तबारा व तआला के बारे में जानता हूं जब मेरा ये हाल है मैंने शादी भी किया है मैं जो है अ, रोजे भी रखता हूं मैं जो है नमाज भी पढ़ता हूं सारी चीजें मैं करता हूं तो तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो तुम्हारे लिए जो है क्या जवाब है तो यह कमाल नहीं है कि आदमी इन सारी चीज़ों को तर्क कर ले तो ये इन चीज़ों को तर्क करना यह हमारा दीन नहीं है जैसा कि हम देखते हैं कि बाज जो दूसरे दीन के लोग हैं दूसरे दीन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं अल्लाह उनके उनकी नज़र में अल्लाह तबारक को खुश करने या उनके खुदा को या उनके मबूद को खुश करने के लिए वो अपने आप को तकलीफें देते हैं अपने आप को अल्लाह तबारक तआला ने जो चीज़ें उनके लिए हलाल की हैं उनसे अपने आप को महरूम कर देते हैं और और जो है इनमें से कोई चीज वो इख्तियार नहीं करते हैं सुभान अल्लाह तो ये हमारा दीन ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको अता किया है बहुत बड़ा जो है अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तआला ने हमको मुसलमान बनाया अल्लाह तबारक तआला ने हमको दीन इस्लाम में जो है दाखिल फरमाया ये अल्लाह तबारा व तआला का बहुत बड़ा एहसान है तो इसलिए और एक हदीस में देखिए कि आदमी खेल जायज़ खेल कूद के अंदर कैसे हिस्सा ले सकता है कि आयशा रदी अल्लाह तह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ईद के मौके पर कि अल्लाह के रसूल वसल्लम नबी और रसूल होने के बावजूद कैसे यानी अपनी बीवियों का ख्याल करते थे उनकी तबीयतों का लिहाज करते थे बच्चों का जो है कैसे ख्याल किया करते थे उनकी तबीयत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरते थे तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि दीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक जायज़ है वहां तक आदमी को इख्तियार है उसके अंदर आदमी कर सकता है तो इसलिए नबी करीम सल्ह वसलम नेशाउल्ला ने क्या किया ईद के दिन जो हबशा के लोग मस्जिद के अंदर वो खेलते थे यानी तलवार वगैरह की जो है ट्रेनिंग या इसी तरीके से लकड़ी वगैरह की ट्रेनिंग जो है वो जो है किया करते थे ईद का दिन है खुशी का दिन है जिस तरह के हम जो है देखते हैं कि आज भी अरब के अंदर क्या है वो तलवार लेके जो है खुशी का इजहार करते हैं तो ये ये किस्म का जो है खेल कूद है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है देखा और आयशा रदील्ला ने भी जो है देखना चाहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पैर पर चढ़ाया और जो अपना अपनी जो गाल है अपना जो कला है उन्होंने वहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाया और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीवार के ऊपर उठा के जो है उनको जो है देखने का जो है मौका दिया तो ये अल्लाह के रसूल तक अल्लाह के रसूल रहे और उस वक्त तक अल्लाह के रसूल खड़े रहे जब तक खुद आयशा ने ये नहीं कहा कि काफी है और तो बस है तो ये दीन हमको जो है सिखाता है दीन ये नहीं सिखाता है कि आदमी यानी तंग रहें आदमी का दिल जो है कुशादा ना हो वसी ना रहे जहाँ अल्लाह तबारक वाली ने उसको आज़ादी दी है वहाँ आज़ादी ना ले अल्लाह तबारक तआला ने हमको नहीं सिखाया तो इसी तरीके से ये जो खेल कूद है हर जमाने के हिसाब से मुख्तलिफ हैं हर जमाने के हिसाब से जो मुख्तलिफ हैं नबी करीम सल्ला वसलम के ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम के ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लाम ने कहा कि जो भी चीज़ इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल करे जो भी चीज़ यानी जो भी लईम जो भी खेल कूद आदमी को एक मुसलमान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल करें वो बातिल है वो जायज नहीं है या उसके अंदर जो है आदमी के लिए सवाब नहीं है तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज चीजें जिक्र फरमाईं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसमें से क्या है आदमी का तीर अंदाजी सीखना यानी तीर चलाना ये सीखना ये जो है एक तो उसके अंदर एक तरह से एंटरटेनमेंट भी है खेल कूद भी है और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र पर ये मदद करने वाली चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला के दीन को क़ुत देने वाली चीज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी जिक्र फरमाया कि आदमी का स्विमिंग को जो है सीखना यानी तैराकी सीखना तैराकी सीखना ये भी जहाँ खेल कूद में से है वहीं ये दीन के अंदर आदमी को मजबूती जो है देता है दीन के अंदर आदमी को तकवीत देता है और अल्लाह तबारक के दीन के लिए आदमी को खड़ा करता है और फिर इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि आदमी का अपने बीवी से खेल कूद करना यानी उसके साथ खंदा पेशानी से रहना उसके साथ मजाक करना या उसके साथ जो है बात करना अल्हब करना ये भी दीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा आयशा रज़ी अल्लाह तआला तहा के साथ दौड़ का जो है मुसाबा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ने का मसाबा किया और शुरू में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुसाबा किया तो आयशा रदी अन्हा जो है वो जीत गई आयशा रदी अन्हा आगे बढ़ गई अल्लाह के रसूल वसल्लम पीछे रह गए क्योंकि उस वक्त शुरू में जब आयशा अन्हा यानी वो उतनी यानी उनकी उम्र नहीं थी और ना ही जो है उतना जो है उनका जिसम जो है भारी हुआ भा था फिर उसके बाद जब बाद में चंद सालों के बाद फिर दोबारा अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने गजबे में आप मौजूद थे तो आप वसल्लम ने कराम से कहा कि आप लोग आगे बढ़ो आप सल्म ने कहा को कि आप जो आगे बढ़ो फिर आप सल्हम ने दोबारा आयशा रही के साथ मुसाबका किया तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जीत गए अल्लाह के रसूल सल्लम जीत गए और आयशा आयशाउ अन्हा पीछे रह गई तो अल्लाह के रसुल्ला जो जो बदला ले लिया अब मैं जीत गया तो वो जो है बराबर हो गया दोनों जो 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 बराबर हो गए तो ये नबी करीम सलिम का मुलाबा है और यह नबी करीम सलिम का मुदाबा है तो बहरहाल मेरे अजीज भाईयों और दोस्तों कि ये जो खेल कूद हैं ये हमारी ज़िंदगी का एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद नहीं है। खेलना कूदना ये सारी चीज़ें इस्लाम ने जायज़ करार दी हैं इस्लाम के अंदर जायज़ हैं अल्लाह की इबादत पर क़त हासिल करने के लिए यानी आज कितने हमारे नौजवान हैं जो खेल कूद के नाम पर यानी ऐसे खेल कूद वो जो है करते हैं ऐसे गेम्स में वो लोग जो है मशगूल रहते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाजें फौत हो जाती हैं उनकी नमाजें ज़ाया हो जाती हैं नमाजें जाया कर दी जाती हैं नमाजें अपने वक्त से निकल जाती हैं उनको उसकी कोई फिक्र नहीं होती है तो ऐसा खेल ऐसा ऐसा खेल कूद या ऐसी सैर सर तफरी या ऐसी कोई भी चीज जो एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तैयार के जिक्र से काफिल करे अल्लाह तबारा का वाली की इबादत से उसको दूर करे अल्लाह तबारक व ताल की इबादत को जाया करे या किसी हक में कमी जो है उसको लेकर आए या उसके लिए नुकसान जो है लेकर आए या दूसरों के लिए नुकसान लेकर आए यह हराम है जायज़ नहीं यह हराम है जायज़ नहीं आज बाज़ नौजवान माशा जिम के लिए या अपनी जो है अपने बदन को जो है बनाने के लिए वर्जिश के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं तो ज़रा बताइए इन में से कितने लोग ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ये कर सकते हैं ये जो है जायज़ हैं ये जो है करना चाहिए हर आदमी को अपना अपने फिटनेस का जो है ख़्याल करना चाहिए अपने आप को जो है क़वत अपने अंदर बनाना चाहिए और मज़बूत होना चाहिए मगर इसका मकसद क्या है इसकी इसकी हमारे अंदर नीयत क्या होनी चाहिए बहुत सारे जो हमारे नौजवान ये चीजें करते हैं तो अगर उनसे पूछा जाए कि आप ये किसके किस किस आपका मकसद क्या है आप ये किस किस लिए कर रहे हैं तो जरा बताइए कि उनमें उनमें से अक्सर का जवाब क्या होगा उनमें से अक्सर का जवाब क्या होगा यानी सिर्फ क्या है बस नुमाइश है या लोगों के सामने जाहिर करना है या इसी तरीके से और कुछ ना कुछ कुछ मकासद है मगर इनमें से कितने नौजवान ऐसे हैं कि जिनका मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारा को वाली के दीन के लिए जो कवत हासिल करें हम अल्लाह तबारक वाल की इबादत के लिए जो है क़ुत हासिल करें अल्लाह तबारा का वाली के दीन के लिए हम खड़े हों जब हमारी ज़रूरत पड़े अल्लाह तबारक तआला के दीन के लिए हम जो हैं आगे आएँ तो हम में से कितने नौजवानों का जो ये मकसद है या इसी तरीके से कैरम बोर्ड है या इसी तरीके से क्रिकेट है या कितने जो भी गेम्स हैं तो कराम ने जो आम कायदा जो बयान किया है इसके अंदर जो मैंने आपके सामने बयान किया कि जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करें इबादत को ज़ाया ना करें और फिर आदमी को अपने मकसद ज़िंदगी से गाफिल ना करें और फिर इसी तरीके से उसको उससे अहम चीज़ों से जो है काफिल ना करें उसके फ़राइज से जो है दूर ना करें उसके उस पर जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे जो है उसको ना हटाएं और फिर इसी तरीके से इस्लामी तालीमत के खिलाफ ना हो और उसके अंदर ना उसके लिए कोई नुकसान हो ना दूसरों के लिए कोई नुकसान हो तब इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को हलाल किया है तो ये सारी शर्तें हमको याद रखना ज़रूरी हैं ये सारी शर्तें ये सारे क्यूद जो कराम ने बयान किए हैं इनको याद रखना चाहिए तो अलहमदिल्ला हमारा दीन हर तरीके से मुकम्मल हैं, तो इसीलिए उसने इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दी है मगर वो मुसलमान जो हमेशा खेल कूद में रहें या इसी तरीके से अपने फरज से गाफिल रहें, या इसी तरीके से खेल कूद ही को अपने अपना मकसद जिंदगी या अपना पेशा या, या सा, ये सारी चीज़ें बना ले, तो ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं अल्लाह तबारक का वाले से दुआ है कि अल्लाह तबारक का वाले हम तमाम को अपने मकसद जिंदगी को पहचानने की तोफीक ता फरमाए तबारा का वाले हम तमाम को जायज जो खेल कूद है انكو اپنانيكي سات سات اسمي اپنا وقت نكالنيكي سات سات الله تبارك وتعالى همكو اسكي ذكر اندر موجود رهنيكي توفيق اتا فرمائي الله تبارك وتعالى هم تمامكو حاضر هنا يحابر كهنا سننا يجيبعيثي اجر آمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ور